लोगों ने पहले पढ़ा डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बारे में। उन्होंने एटम्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन किया था, जहां पर उनके कुछ ड्रॉबैक वगैरह थे वो भी आपने देखा, ठीक है। डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी विच यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 3। तो दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ये डाल्टन्स जी ने क्या कहे थे कि एक ऐसा आइटम है, डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी, इन्होंने कहा था जो भी चीज है, मतलब जो भी मैटर है, पदार्थ है, वो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स जिसको हम लोग एटम कहते हैं, कॉल एटम, एटम्स कहते हैं, यानी छोटे से छोटे कण से मिलके बने हैं, जिसको और डिवाइड नहीं की जा सकती है, उसे हम लोग एटम कहते हैं। फिर द थ्योरी कुड विल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जिसमें से आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा, बट द साइलेंट अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइटम एंड अज्यूम आइटम थ्योरी कुड विल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइटम एज स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मतलब उसमें आइटम में कुछ खास नहीं बताया गया कि ये क्या था, कैसे बना, वो ठीक है, वो छोटा से छोटा कण क्या है, यानी कि एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन अदर कैसे है, कि व्हाई एंड हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ती है, जैसे CO2 वगैरह, H2O वगैरह, ये सारे इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी as to that makes the atom of one element different from the atoms of other element. We shall also learn that atoms are no longer considered indivisible. By the end of 19th century, it was discovered that atom consists of subatomic particle such as electron, proton and neutron. हम लोग पढ़ेंगे एटम जो छोटे से छोटे कण हैं, जो डिवाइड भी होते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे, एटम एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइंट करती है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी डिटेलिंग से देखेंगे। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, थोड़ा सा उसको पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रॉन को पढ़ने से पहले आपको चार्ज पार्टिकल्स के बारे में समझना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं वो कण चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है। ये पेन चार्ज है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब वो तो अभी बोल रहे हैं, उस समय तक नहीं पालन था, उसका नाम भी दिया था, मैकमिलन नाम के साइंटिस्ट ने इस चार्ज पार्टिकल का नामकरण किया था, ठीक है, और मतलब बताया था, सजेस्टेड किया था एक्चुअली इन्होंने, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड आर चार्ज, सम चार्ज है। आपने आगे के भी क्लास में आप इस चीज को समझेंगे कि जो वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम आर नॉट इंडिविजुअल कम फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफरेंट सबस्टेंस। ये जो कहा गया था कि इंडिविजुअल है, तो पहली बार जो इसे गेस किया गया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा समझा गया था इस चीज को, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटा गया था, एक थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग 10 में पढ़ते हैं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी 12 में पढ़ते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी हम खाली जिक्र करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। इन्होंने कहा कि ये जो पेन है ये एक चार्ज है, पॉजिटिव है, बस जब हम इसे बाल पर रगड़ते हैं
तो इलेक्ट्रॉन जो है इस कण से, इस पेन से रगड़ने के बाद, फ्रिक्शन होने के बाद, इसके निगेटिव आयन हेड बॉल में ट्रांसफर हो जाते हैं और बच जाते हैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव। फिर जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को इस पेन के नजदीक लेके जाते हैं तो पाते हैं कि ये जो कागज का टुकड़ा है ये पेन उसकी तरफ, पेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और फिर कुछ समय बाद फिर छूट जाती है। यानी कि वो कागज का टुकड़ा में कुछ ऐसे चार्ज है जो इस पेन की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसका सजेस्ट किया गया नॉमिनेशंस बाद में कि जो निगेटिव चार्ज है उसे इलेक्ट्रॉन कहे गए थे, प्रोटॉन कहे थे, लेकिन उस समय तक नहीं कहे गए थे। उस समय तक कहा गया कि जो उसकी तरफ खींचा जा रहा है वो निगेटिव है और जो खींचने की क्षमता रख रही है वो पॉजिटिव चार्ज है। बस यहीं तक बात थी। यानी कागज के जो टुकड़े थे वो टुकड़े निगेटिव चार्ज थे और जो पेन हो गए ये पॉजिटिव। फिर थोड़ी देर बाद जब कागज का टुकड़ा छोड़ दिया तो यानी क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक फिर इसने इलेक्ट्रॉन कंजर्व कर लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि सोर्स ऑफ एनर्जी में भी आपने पढ़ा है, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट्स कैन बी ट्रांसपोर्ट। यहां भी वही संख्या है, ये नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ये ओनली जस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी फिर ऑटो गेन कर लेती है वो और फिर से वो निगेटिव पार्टिकल को छोड़ देती है। कुड यू प्रोड्यूस द रनिंग टू, यही चीज को यहाँ पे समझा गया, तो आप अच्छी तरह समझ गए स्टैटिक से इलेक्ट्रिसिटी से पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में समझ में आई, थ्रू द निगेटिव चार्ज के बारे में समझ आए थ्रू द फ्रिक्शनल चार्ज के थ्रू। यानी फ्रिक्शनल चार्ज के थ्रू हम लोग आगे के भी क्लास में पढ़ेंगे कि ये दो माध्यम से फ्रिक्शनल चार्ज करती है, एक तो इंडक्शन के थ्रू और दूसरा कंडक्शन के थ्रू। तो इंडक्शन और कंडक्शन कुछ और नहीं है बल्कि कंडक्शन मतलब दो बॉडी को चार्ज किए तो कंडक्ट हो गई इलेक्ट्रॉन, गेन हो गई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अभी बोल रहे हैं उससे पॉजिटिव निगेटिव। और दूसरे बारे में चार्ज, चार्ज वाले पार्टिकल के पास में और एक अनचार्ज पार्टिकल लेके जाएंगे तो इंडक्शन के थ्रू वो खुद चार्ज हो जाएगा। खाली शर्त ये है कि अनचार्ज पार्टिकल को अर्थिंग कर दिया जाए, क्योंकि अर्थ जो होता है ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी निगेटिव चार्जों का सागर है पृथ्वी, तो वो उसको देता है निगेटिव, वो फिर वो ऑलरेडी गेन कर रही होती है, तो जिसके कारण निगेटिव का चार्ज होता है। अगले क्लास में भी इसके डिटेल पढ़ेंगे। तब आई बारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉनों की खोज किस तरह से की गई इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या आप समझ लीजिए कैथोड रे की देन थी, कैथोड रे से डिस्कवरी किया गया था, इसके बारे में अच्छी तरह से समझिए। ठीक, और कोई स्टूडेंट क्लास खत्म होने से पहले अटेंडेंस ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बाद में, आपको मालूम है 12:20 को 30 को खत्म हो जाएगा, 30 में तो ले लीजिए 20। अब इन्होंने पहले लिया था एक डिस्चार्ज ट्यूब, तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हमें ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, बुक आपके पास भी होंगे वहां पर भी देख सकते हैं। तो पहले मुझे ये समझना चाहिए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ली थी वो था एक डिस्चार्ज ट्यूब और दूसरा था कैथोड रेस। ठीक है, यानी कि कह सकते व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब एंड व्हाट आर कैथोड रे, कैथोड रेस क्या है, डिस्चार्जिंग ट्यूब क्या है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे ये इसी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब माध्यम से हम डिस्चार्ज ट्यूब एक बनाते हैं डिटेल से समझाने के लिए। ठीक, ये है डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूं। देखिए इसके अंदर कुछ इस तरह से सेटिंग किए रहते हैं कि हवा जो है अंदर जम ना पाए
और ये हवा निकलते रह जाए, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इस तरह से इधर की ओर बंद कर देते हैं इसको, ये डिस्चार्ज ट्यूब हो जाएगा। और ये कैथोड रेस डाल रहे हैं, निगेटिव चार्ज डाल रहे हैं इसके अंदर कैथोड, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इधर निगेटिव टर्न है, पॉजिटिव टर्न है, यहां से मैं एक डिस्चार्जिंग ट्यूब का जो है आउटपुट बाहर कर ले रहे हैं। ये है नॉब, यहाँ लगा रहता है घुंडी, जिसके थ्रू हम इसमें हवा जितने भी अंदर फंसे हम सब वो बाहर निकाल दें, ठीक है। ये रेड रंग के जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये दिशा है इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो आइए पहले डिस्चार्ज ट्यूब को समझते हैं। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का जो डायग्राम बनाए हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर है, आप समझ लीजिए कि हम लोग प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे को समझ रहे हैं, कैथोड रे थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब, थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब। चलिए डिस्चार्ज ट्यूब समझिए किसको कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द स्टडी ऑफ कैथोड रेस, यानी कैथोड रेस की स्टडी करने के बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में समझदारी हुई, इलेक्ट्रॉन क्या है उसे समझने में मदद मिली। विच वेयर डिस्कवर्ड बाय जूलियस प्लकर इन 1859 ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट विद गैस डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि जिसकी खोज जूलियस प्लकर ने 1859 ईस्वी में एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से एक रिसर्च कर रहे थे, तो इनको ये खोज मिली थी कैथोड रेस। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब इज कुछ और नहीं, ये पहले तो डिस्चार्ज ट्यूब समझिए, ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, इज लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, और जिसमें से ये जो देख रहे हैं ये ट्यूब, ये एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, ये ऊपर वाला पूरा पार्ट ये कंप्लीट डिस्चार्जिंग ट्यूब है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब है। द ट्यूब इज फिटेड विथ मेटल इलेक्ट्रोड्स ऑन एदर इन अक्रॉस विच ए हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, यानी इसके अंदर में एक इलेक्ट्रोड लिया गया था जिस इलेक्ट्रोड से हाई वोल्टेज की करंट की सप्लाई की गई थी। ऐसा कहा जाता है तकरीबन 1000 वोल्ट के इलेक्ट्रॉन को, मतलब करंट को दिया गया था। आप तो पहले अगर व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब, तो डिस्चार्ज ट्यूब मींस ए ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब इज ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब व्हिच हैव द फैसिलिटी टू रिमूव ऑल द गैसेस व्हिच प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास, जो कुछ भी ग्लास के अंदर हवा प्रेजेंट हो उसको बाहर निकाल देने की क्षमता रखने वाला एक कांच का ट्यूब, उसको हम लोग ग्लास ट्यूब कहते हैं, ठीक। यानी कि अब आगे देखते हैं, द इलेक्ट्रोड जो इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाई गई थी, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स
इज कॉल्ड कैथोड, उसी को कैथोड कहा गया। यानी कि इस बैटरी के जो निगेटिव सोर्स से जो कनेक्टिविटी की गई थी इसको कैथोड कहा गया। ये रास्ते से जाने वाले को कैथोड कहा। व्हाइल द इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड थी, टर्मिनल से जो कनेक्टेड थी उसको कहा गया कनेक्टेड थी उसको कहा गया एनोड। यानी जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी उसे कहा गया कैथोड, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जो हिस्सा कनेक्टेड थी उसे कहा गया पॉजिटिव। से क्या एक ही वायर है, एक वायर में एक निगेटिव टर्मिनल दूसरे तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, बीच में बैटरी के सेटअप है, 1000 वोल्ट के इलेक्ट्रॉन को भेजना है, मतलब कैथोड रे को भेजना है। उस समय तक इलेक्ट्रॉन का नाम पता नहीं था, एनोड कही। The tube is also connected to a vacuum pump for controlling the pressure of gas inside the discharging tube. यही एक पंप भी लगा दिया गया इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर कंट्रोल किया जा सके गैस को, जितना रिक्वायरमेंट है उतने भेजे, नहीं तो बाकी के गैस को निकाल दिया जाए। The common example of discharging tube are, अगर आप पूछें कि डिस्चार्जिंग ट्यूब किस किस चीज के हो सकते हैं या इसके एग्जाम्पल बताइए, डिस्चार्जिंग ट्यूब का एग्जाम्पल जो है इजी ऑफ ए डिस्चार्जिंग ट्यूब में आपने CFL, पिक्चर ट्यूब ऑफ टीवी देखे भी होंगे, उसके अंदर में इसी तरह का एक ट्यूब नुमा रहता है, पिक्चर ट्यूब ऑफ टीवी। इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो ट्यूब लाइट आपने देखा होगा ये सब डिस्चार्जिंग ट्यूब, और एक्सरे ट्यूब, ईटीसी वगैरह, बहुत सारे इस तरह के ट्यूब को आप एक्सरे ट्यूब, ये भी एक डिस्चार्जिंग ट्यूब हो सकती थी, सिर्फ ये ग्लास की होती तो, लेकिन ये ग्लास की नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक अटैचमेंट करते हैं ताकि गैस को बाहर और अंदर निकालने की काबिलियत होती। तब क्या ऑब्जर्वेशन किया गया, ये जब बनाया जा रहा था तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन की गई, इस चीज को समझिए। ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया, जब 1000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करेंट निगेटिव टर्मिनल से किसी डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर फ्लो कराई गई तो क्या पाया गया। ऑब्जर्वेशन से आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, जो चीज आप देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन द गैस प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज 1 atmosphere नॉर्मल प्रेशर, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द ट्यूब। जब देखा गया गैस प्रेशर, जब जो थी गैस प्रेशर नॉर्मल प्रेशर के जितना रखा गया, तो नॉर्मल प्रेशर के प्रेशर के जितना रखा गया, तो गैस प्रेशर कैप्ट विथ नॉर्मल प्रेशर, तो देखा गया कि नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, क्योंकि बीच में तो कुछ है नहीं, एक्चुअली पूरा खाली रहता है, निर्वात है सेंटर। तो यहां पे देखा गया कि अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आउटर रेंज में है, इसीलिए तो हवा इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट नहीं करती है, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी यहां भी नहीं थी, तो नॉर्मल था तो कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया। तब थोड़ी देर बाद गैस प्रेशर इज रिड्यूस टू अबाउट 10^-2, जब गैस प्रेशर रिड्यूस कर दी, रिड्यूस की गई लगभग 10^-2 एटमोस्फेयर, यानी लगभग आप कहिए कि सिमिलर टू 1 mmHg के जितना, गैस प्रेशर का मर्क्यूरी के ही 1 millimeter जितना प्रेशर अप्लाई करती है उतने जितना एटमोस्फेरिक प्रेशर करती
तो देखा गया है, और पोटेंशियल डिफरेंस करंट कितना दिया गया था पीडी, वोल्टेज कितना सप्लाई की गई थी 1000 वोल्ट, नहीं 10,000 वोल्ट, मोर देन 1000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट का जब पोटेंशियल डिफरेंस दी गई टू द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, तब देखता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगी, इलेक्ट्रिक करंट मूव करने लगी, सेम टाइम लाइट एमिटेड बाय द गैस करंट फ्लो एट द सेम टाइम लाइट इज एमिटेड बाय द गैस, और गैस से लाइट निकलने लगी, और द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, यानी कैसा कलर था, कलर्स जो है डिपेंड करती थी नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, जिस किस्म का गैस उस तरह का कलर, लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन बाय द कलर ऑफ लाइट इज मैग्नेटा रेट, कलर थी जनरली लाइट का जो रेट था, यानी इलेक्ट्रॉन का जो रंग था वो लगभग मैग्नेटा रेड रंग का दिखाई दिया, और आप कैथोड एनोड वाले में पढ़ेंगे, कैनाल वाले में ग्रीन कलर का ही मैग्नेटा रेट। When the tube contained normal air, the neon lights, reddish orange, used in advertising signs operated in this way. और अभी आप लोग न्यू साइंस बल्ब का इस्तेमाल करता है ताकि कोई वस्तु को उसको लाइटिंग करने को, उसको न्यून साइंस बल्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे पढ़ें। When the gas pressure is the discharge to be reduced further, डार्क पेस, जैसे ही गैस प्रेशर को, यानी खाली काम गैस प्रेशर का था, गैस प्रेशर को रिड्यूस करता था, गैस प्रेशर को रिड्यूस करता था तो कलर हो जाती थी डार्क, काले रंग में हो जाती थी। जब देखा गया कि गैस प्रेशर को और रिड्यूस किया गया, एक स्टेप में और देखा गया कि गैस प्रेशर को और अगर रिड्यूस कर दे तब क्या होता है, तो गैस प्रेशर को लगभग 10^-6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिया गया, एटमॉस्फेयर पे रखा गया, तो यानी कि 0.0001 mmHg पर रखा गया, तो एमिशन ऑफ लाइट सीज़ and the end of the glass tube opposite to cathode fluoresces starts glowing with a faint greenish light, uske baad dheere dheere red magneta convert ho gayi, starts glowing with a faint greenish light, greenish light. हरे रंग में बदल गई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द फ्लोरोसेंस वाज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब के वॉल से बम्बार्डिंग किया जा रहा है कैथोड रेज से, इसी के कारण ये फ्लोरोसेंस हो रही है, चमक रही है, प्रदीप्त हो रही है, दिखाई दे रही है एक हरे रंग का। These rays were called, और उसी रेज को, चूंकि कैथोड वाले टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल से निकल रही थी, उस रेज को कहा गया कैथोड रेज, वो रेज को कहा गया कैथोड रेज। दिस रेज वेयर फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज मटेरियल, और ये कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज मटेरियल से बना, न्यूट्रिशन मटेरियल पार्टिकल से बना, जिसको कहा गया कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। इसके नाम को बताया किसने, इसके बारे में समझते हैं। ईंट पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, आ जाती है बारी जे जे थॉमसन, सर जे जे थॉमसन जी ने क्या बताया उसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको और इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। जे जे अभी तो आपने कैथोड रे से निकलने वाले रेस को समझा, टाइम आउट हो रहा है, रुकिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।